रोमांचक बहाली का स्वर है, शिक्षा मंत्री जो हमारा मांगे यही है कि ओपन कैंप का वातावरण जल्दी से जल्दी शेड्यूल जारी किया जाए और हम लोग बहाली किया जाए कि जल्द से जल्द बहाली नहीं होने पर आत्मदाह करेंगे। हम लोग 2 साल से एकदम मानसिक तनाव से एकदम ग्रस्त हैं। सिर्फ आश्वासन देते हैं प्रधान सचिव जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का डायरेक्टर रंजीत कुमार, वो 2 साल से हम लोग को आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। क्या भरोसा करें, हम लोग भरोसा 2 साल से कर रहे हैं। हम लोग 3 साल से बीएड करके सीटेट पास करके हम लोग बैठे हुए हैं, 3 साल से लगा रहे हैं, लेकिन बहाली सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं लेकिन हमारी की मांग पूरा नहीं हो रही है। हमें बार बार गर्दनी पर क्यों आना पड़ जाता है, हमारे साथ समस्या, सरकार का सबसे बेकार रवैया। आपको क्या परेशानी हो रही है, आगे सरकार चाहती क्या है, हम लोग मर जाए? 19 लाख रोजगार का वादा किया था ना बीजेपी ने, कहा है वो रोजगार? सरकार गठन के 4 महीने हो चुके, आज तक एक भी बहाली नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की बहाली अब तक नहीं हो पाई है। लगातार तमाम जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, पर शिक्षा मंत्री अब तक इनसे मिल नहीं पा रहे हैं। लगातार सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं गर्दनी बाग धरना सब और तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके हाथों पर जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव से पहले बहाली किए जाए और शिक्षक बहाली का जोर है, शिक्षा मंत्री जो है आक्रोश जो है इनका पूर्णा है और ये नारे लगा रहे हैं। आक्रोश जो है इन लोग का गुस्सा जो है वो फूटा है और यही कारण है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे और खास तौर पर अगर आप देखें महिलाओं की संख्या तो महिलाएं भी आज यहाँ पर कमर कस करके पहुंचे और कई दिव्यांग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी पहुंचे, इनसे बात करेंगे। मांगे क्या है, पीछे सीधे पास विद्यार्थी हैं, हमारा मांगे यही है कि ओपन कैंप का वातावरण जल्दी से जल्दी शेड्यूल जारी किया जाए और हम लोग जल्दी से जल्दी बहाली किया जाए। लगातार 18 महीने से मानसिक प्रताड़ना के झेल रहे हैं हम लोग दिव्यांग, दोनों पैरों से होने के बाद सरकार के सभी अहर्ताएं जितना बैरियर था सही क्लोज किए, बीएड किए, सीएड पास किए सभी, अब हम लोग के सरकार जितना जल्दी बहाली उतना जल्दी बहाली कर दे। कहाँ से आए हैं? गया जिला से आया। यहाँ ये हाथों में क्या लिया है आपने? यहाँ आने का मकसद यही है कि हमारा सरकार ओपन कैंप के द्वारा जितना जल्दी से जल्दी यही जलवायु में बहाली कर दे। यहाँ हाथों में क्या लिया है आपने? हमारा लिया है कि जल्द से जल्द बहाली नहीं होने पर आत्मदाह करेंगे, यानी कमर कस कर आए हैं। हम कमर कस कर आएंगे, हम लोग आत्मदाह करेंगे, यहीं मर जाएंगे लेकिन कहीं जाएंगे नहीं, आगे पूरी नहीं होगी तो यहीं आत्मदाह कर लेंगे, एकदम आत्मदाह कर लेंगे हम लोग। और ये गया से आए हैं, बाहर है शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नहीं, इनको बात करने नालंदा जिला से आए हैं। अच्छा, क्या मांगे हैं? हम लोग का मांग है कि ओपन कैंप से सरकार जल्दी काउंसलिंग का डेट जारी करे। हम लोग 2 साल से एकदम मानसिक तनाव से एकदम ग्रस्त हैं। अच्छा, सिर्फ आश्वासन देते हैं प्रधान सचिव जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का डायरेक्टर रंजीत कुमार, वो 2 साल से हम लोग को आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, जबकि हम लोग टीचर के जो होना चाहिए सच्चे हक प्राप्त किए हुए हैं, फिर भी हम लोग को त्राहिमाम कर रहे हैं। हम लोग तनाव से ग्रसित है, 2 साल से हम लोग तनाव से इतना ग्रसित है कि कुछ कहा नहीं सकता। मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या? हम लोग आत्मदाह करेंगे जब तक मांग पूरा नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम लोग अपना मांग लेकर के रहेंगे चाहे जिस तरह से दे, यहीं पे रहना जब तक मांगे पूरी। हाँ, जब तक मांग नहीं पूरी जब तक यहीं पे हम लोग आत्मदाह कर लेना है। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से मैं आया हूँ। औरंगाबाद से आए हैं, मांगे क्या है? औरंगाबाद से। औरंगाबाद, मेरा मांग यही है कि हम लोग का काउंसलिंग डेट जल्द जारी कर और जल्दी ही नियुक्ति पत्र हम लोग को दे। किसके साथ आए हैं? हम मम्मी के साथ आए हैं, नहीं चलेगा, मम्मी गोद लेकर आई है। नीतीश कुमार पर भरोसा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, क्या आप लोगों की मांगे मानी जाएगी?
क्या भरोसा करें, हम लोग भरोसा 2 साल से कर रहे हैं, अब तक तो हम लोग को नहीं नियोजन पत्र नहीं मिला, अब तक हम लोग तो बहाली लटकाए हुए हैं। उम्मीदें हैं, उम्मीद आप कैसे करें, उम्मीद तो करते करते 2 साल हो गया। मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे? हम लोग आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। तो ये तमाम जो प्राथमिक एक और दिव्यांग भाई है, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? पूर्णिया जिला से आए हैं, मोहम्मद रब्बान आलम है मेरा, और हम लोग 3 साल से बीएड करके सीटेट पास करके हम लोग बैठे हुए हैं, 3 साल से लगा रहे हैं, मगर बहाली सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं मगर हमारी की मांग पूरा नहीं हो रही है, इसमें से आज हम लोग गर्दनी बाग आए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे आज। हम लोग पूरा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है कि आप लोगों की मांगे मानी जाएगी? हमारी मांगे बिल्कुल मांगेगी, हम आए हैं उसके विश्वास है कि हमारी मांगे वो पूरी करेगी, तभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जेल भरो आंदोलन लिए है, और यहाँ जब तक नहीं हमारी मांगे पूरी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। 3 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, जब बहाली अंतिम चरण पे है, मात्र काउंसलिंग की डेट जारी करनी है, और हम लोगों का काउंसलिंग कराने के बाद स्कूल में भेज दे हमें बार बार गर्दनी बाग क्यों आना पड़ जाता है? हमारे साथ समस्या, सरकार का सबसे बेकार रवैया, अंतिम मेधा सूची के स्थान में पहुंचाने तक के बाद आपको क्या परेशानी हो रही है? कोई विभाग सचिवालय से कोई जवाब नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं जानता। आखिर सरकार चाहती क्या है, हम लोग मर जाए? आखिर पकौड़े बेचे 19 लाख रोजगार का वादा किया था ना बीजेपी ने, कहा है वो रोजगार? सरकार गठन के 4 महीने हो चुके, आज तक एक भी बहाली नहीं हुई, और ये 3 साल से लंबित बहाली इनसे पूरी नहीं हो पा रही है। सर क्या करें, नीतीश कुमार को सर माननी चाहिए। 19 लाख बहाली मिलेगी? हमको आशा नहीं है कि मिलेगी, ये सिर्फ जुमला था, नाटक था। अभी बिहार में सबसे ज्यादा देश में शिक्षकों की कमी सबसे ज्यादा बिहार में, यहाँ पर 3 लाख शिक्षकों की कमी है। ये केंद्र सरकार का जो आंकड़ा है राइट टू एजुकेशन, इसका आंकड़ा है कि प्रति छात्र जो है शिक्षकों की आबादी जितनी रहनी चाहिए उतना बिहार में नहीं है। अशोक चौधरी जी का भी आप देखे होंगे कि जहां अशोक चौधरी जी जा रहे हैं उनका काला झंडा दिखाकर विरोध किया जा रहा है, आने वाले दिनों में भी अशोक चौधरी का विरोध किया जाएगा। अगर हम बिहार में किसी भी जगह पर अशोक चौधरी का प्रोग्राम होने नहीं देंगे, अगर 94,000 शिक्षकों की बहाली नहीं ली जाती है, और जो 37,000 स्टेट का बहाली है वो नहीं लिया जाता है, तो हम शिक्षा मंत्री का कोई भी प्रोग्राम बिहार के अंदर में नहीं होने देंगे। हम लोग पिछले 2 साल से बहुत ही परेशान है सर, हम लोग को बहुत तरीके से पारित किया जा रहा है। हमारी ये मांग है कि हमारी पहाड़ी जल्दी से जल्दी पूरी किया जाए, हम बहुत परेशान हैं। हमने 2 लाख रुपया खर्च करके मैंने बीएड किया, 2 लाख हमने बीएड किया, हमारे पास आर्थिक खराब है, मैंने जमीन बेचकर बीएड किया, मैंने सीटेट क्वालिफाई किया, कंपटीशन निकाला, अब मुझे क्या करने के लिए कहते हैं? मैंने आप लोगों से हर एक चीज़ को मतलब जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा मैंने पास किया, फिर भी आज हमको जो है मुझे आज हमको नौकरी देने के लिए वंचित किया जा रहा है। तमाम जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो कमर कस कर पहुँचे हैं, और ये उम्मीद भी लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी गुहार सुनेंगे, पर लगातार ये तमाम आला अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, पर आश्वासन मिल रहा है। लगातार 3 सालों से संघर्ष करने के बाद जब उम्मीदें इन्होंने हारी, तब आखिरी रास्ता इन्होंने सुना आंदोलन का। अब ये आंदोलन करने पहुँचे हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, सैकड़ों की संख्या में ये तमाम प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे हैं, और इनकी जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। गुड्डू के साथ मैं सिंपल लाइव सिटीज पटना।